हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग यूपी जीके की क्लास पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी वीडियो का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। वीडियो के एग्ज़ाम में जो जीएस का पोर्शन है उसमें यूपी जीके भी पूछी जाती है, और 50 क्वेश्चंस में से यूपी जीके के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे यूपी जीके के माध्यम से, और दो वीडियोज़ में यूपी जीके कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला वीडियो है, इसमें हम देखते हैं यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम यूपी जीके शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी जीके का ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको पूरा करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश किन देशों से सीमा लगाता है, किन राज्यों से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किन राज्यों से सीमा लगाते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। यूपी जीके को सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अब ये क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको याद रखना है, 7.33%। यानी अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल 100 है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है, और क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, फोर्थ प्लेस है, चौथा स्थान है पूरे भारत के अंदर राज्यों में अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो। तो बात यह आती है कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे जो राज्य आता है क्षेत्रफल के मामले में वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है भारत में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है, ये लगभग 24 करोड़ के आसपास है 2021 के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये लगभग 19 करोड़ 98 लाख के आसपास है। तो ये बात हमने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की है। अब इसके बाद हम और आगे चीजें देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार, और उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये दो बातें हमें देखनी है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार कितना है, यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। और फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ये चार बातें आपको और देखनी। तो देखिए इस बात को मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें मैं आपको पहले ये समझा दूं कि अक्षांश देशांतर है क्या। ये देखिए मैं आपसे कहूं कि अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांश कौन से होंगे, तो आप कहेंगे कि कोई ग्लोब है, ग्लोब पर ये जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखाएं, इनको अक्षांश कहा जाता है, और जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं ये देशांतर कहलाती हैं, तो ये देशांतर होंगे, और जो पड़ी हुई रेखाएं हैं वो क्या होंगी, अक्षांश होंगी। तो उत्तर प्रदेश के अक्षांश की बात आएगी तो मैं कहूँगा अक्षांश यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये विस्तार आपको बताना है कि इस अक्षांश का नाम क्या है और इस अक्षांश का नाम क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है यहां से यहां तक। तो पहला अक्षांश ये है और फिर अक्षांश के रूप में ये आएगा। अगला है देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी
एक देशांतर ये है और एक देशांतर ये है, तो यहां से लेकर यहां तक जो विस्तार है वो कितना है? तो ये शुरू होता है 77 डिग्री 5 मिनट से। तो 5 मिनट को आप 5 ना लिखे 05 लिखें, नहीं तो 5 लिखेंगे तो वो आपको 50 पढ़ लिया जाएगा। तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी ध्यान रखिएगा भारत में अक्षांश सिर्फ उत्तर है और देशांतर सिर्फ कौन सा है? पूर्वी है। पश्चिम देशांतर भारत में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। और अक्षांशीय देशांतरी विस्तार दोनों में आप देखोगे तो अंतर कितने डिग्री का आ रहा है? लगभग 7 डिग्री का। देखिए 23 से लेकर 30 तक जाओ तब भी कितना होगा? 7। और 77 से 84 जाओ तब भी कितना होगा? 7। तो अक्षांशीय देशांतरी अंतर अगर भी पूछ लेगा आपसे अक्षांशों का और देशांतर का अंतर, तो कितना डिग्री आएगा? 7 डिग्री के आसपास आएगा। अब बात आती है कि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम विस्तार का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां का विस्तार, ये विस्तार, और फिर पूछेगा ये वाला विस्तार, तो ध्यान रखना है। पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर यहां से यहां तक की लेंथ अगर खींची जाए तो वो आएगी 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 240 किलोमीटर, कितना है? 240 किलोमीटर। और आप ध्यान कीजिए यूपी जीके में भी हमने ये बातें, यूपी जीके के अलावा हमने भारत के जब ज्योग्राफी पढ़ी है आपने वीडियोस देखे होंगे, उसमें भी हमने जब पढ़ा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार, वो भी अलग अलग पढ़ा। वो कैसा है एक बार मैं भारत का आपको दिखा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, भारत का भी देख लेते हैं। जैसे जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये विस्तार कितना था? 3214 किलोमीटर पड़ा था। और यहां से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल तक का जो विस्तार था वो कितना था? 2933 किलोमीटर। तो देखिए भारत की जो लंबाई है, जो एक ये वाला हिस्सा है, ये चौड़ाई से ज्यादा है, यानी लंबाई ज्यादा है। लेकिन यूपी के मामले में आप देखोगे तो आप देखोगे कि पूरब से पश्चिम, यानी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। यूपी की लंबाई सिर्फ 240 है ऊपर से नीचे, और चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई है। तो इन बातों को भी नोट कर लीजिए, आप चाहो तो भारत का भी नोट कर लो। भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और यहां से लेकर पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर। अब इसके बाद हम एक बात और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये चार बातें आपको याद रखनी, जैसे क्या बात है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला। इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो देखिए कौन है? सबसे पूर्वी जिले का नाम है उत्तर प्रदेश के, वो है बलिया। कौन सा जिला है? बलिया। अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। ये सबसे पश्चिमी जिले का नाम है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिले का नाम है सोनभद्र। ये सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं। ये देखिए एक बार, ये देखिए सबसे पूर्वी जिले की बात हुई बलिया, ये है सबसे पूर्वी जिला बलिया, बिल्कुल पीछे की तरफ दिख रहा है, ये सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, इस जिले का नाम है बलिया। सबसे पश्चिमी जिले की बात हो रही, ये सबसे पश्चिमी जिला है और इस जिले का नाम है शामली। ये जिला मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना, पहले ये मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था शामली, सबसे पश्चिमी। सबसे उत्तरी जिले का नाम है सहारनपुर, ये जिला है सहारनपुर, इस जिले का नाम है सहारनपुर, और ये सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ये जिला सोनभद्र है और ये सबसे दक्षिणी जिला है। मैप में आपके सामने ये जिले भी हो गए, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। नाम याद रखना, मैप से याद रहेगा, सबसे पूरब में बलिया, सबसे पश्चिम में शामली, सबसे दक्षिण में सोनभद्र और सबसे उत्तर में सहारनपुर।
जिले हो। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से और किन देशों से सीमा लगाता है। देखिए ये देखिए, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और देशों से सीमा लगा रहा है। तो देखिए किस तरह देखेंगे, नीला मार्क है क्या, देखिए देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है और 1 देश से सीमा बनाता है। तो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 8, कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, 1, और कितने देशों से सीमा बनाता है, 1। जिस देश से सीमा बनाता है उस देश का नाम है नेपाल, यानी यहां से यहां तक की जो आपको ये सीमा दिख रही है किसके साथ बन रही है, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनती है वो है 579 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा, 579 किलोमीटर। और नेपाल पूरे भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो 1751 किलोमीटर की बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाता है, 579 किलोमीटर की। अब कौन कौन से राज्यों से सीमा, तो देखिए यहां से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, अपनी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इधर यहाँ उत्तर में सीमा बनती है किससे, हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के केवल एक ही जिले से सीमा बनाता है जिसका नाम है सहारनपुर। ये जिला कौन सा था, सहारनपुर। दूसरा है उत्तराखंड, दूसरी सीमा किससे बनाता है, दूसरा राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। ये यहां पर फिर नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद अगली सीमा किससे बनाता है, बिहार से। ये जो आपको सीमा दिखाई दे रही है ये कहां से कहां तक की है, ये बिहार की सीमा है। इसके बाद अगली सीमा बनाता है झारखंड से, झारखंड के बाद सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के बाद ये सीमा बनती है मध्य प्रदेश से। यहां से लेकर यहां तक की जो आपको ये पूरी सीमा दिख रही है किसके साथ बनी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ। ये सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनती है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो सीमा आपको दिख रही है ये बनती है राजस्थान के साथ, और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा है वो बनती है हरियाणा के साथ। अब देखिए ये तो 8 राज्य हो गए जिनसे सीमा बनाता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश रहा दिल्ली, ये इससे केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जीबी नगर और गाजियाबाद, ये दिल्ली है। तो यूटी कितने, ये दिल्ली यूटी है, यूपी के कितने जिलों से सीमा बनाता है, 2 जिलों से, केवल 2 जिलों से सीमा बनाता है, और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। इसको करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सब राज्य देश और यूनियन टेरिटरी कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, उन जिलों के नाम क्या क्या हैं। पहले आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसी में बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं वो राज्य लिख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के एक जिले से सीमा बनाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सवाल है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो आप कहेंगे केवल 1 जिले से सीमा बनाता है, और उस 1 जिले का क्या नाम है, सहारनपुर। यानी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के केवल 1 जिले से सीमा बनाता है जिसका नाम है सहारनपुर। इसके बाद हम आएंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ पे, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से सीमा लगाते हैं, बस केवल एक जिला, एक जिले से सीमा लगाते हैं, और इस एक जिले का नाम आपको यहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सोनभद्र। कौन सा जिला है ये, सोनभद्र, ये इतना बड़ा जिला है। देखिए झारखंड सीमा किससे लगा रहा है, सोनभद्र से,
छत्तीसगढ़ सीमा किससे लगा रहा है? सोनभद्र से। तो ये सोनभद्र है और इससे सीमा ये दोनों राज्य लगाते हैं। तो झारखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगाता है? आप कहेंगे एक जिला, कौन सा? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ कितने जिलों से लगाता है? एक जिला, कौन सा? सोनभद्र। तो ये दोनों जिस जिले से सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के, उसका नाम है सोनभद्र। तो एक एक वाले हमने निपटा लिए, एक एक वाले अपने खत्म हो गए। तो कितने राज्य ऐसे हैं इन आठ में से जो एक ही जिले से सीमा लगाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़ जो कि सोनभद्र से लगाते हैं, और एक हिमाचल प्रदेश जो कि सहारनपुर से लगाता है। इसके बाद हम उस राज्य पे चलेंगे जो दो जिलों से सीमा लगाता है, उसमें है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। देखिए राजस्थान, राजस्थान केवल और केवल उत्तर प्रदेश के दो जिलों से सीमा लगाता है, और इन दो जिलों के नाम है आगरा और मथुरा। कौन कौन सा? आगरा और मथुरा, इन दो जिलों से, आगरा और मथुरा। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम यूटी की बात करते हैं। एक यूटी जो सीमा लगाती है उत्तर प्रदेश से, उसका नाम क्या है? दिल्ली। और दिल्ली यूटी जो है वो उत्तर प्रदेश के दो जिलों से सीमा लगाती है। कितने जिले? दो जिले, और दो जिलों के नाम है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये भी आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अब ये जो कम कम वाले थे वो हमने खत्म कर लिए। अब बड़े राज्य देखते हैं जो ज्यादा से सीमा लगाते हैं। वो देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर? हरियाणा पे। हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश के छह जिलों से सीमा लगाता है। कितने जिलों से? छह जिलों से सीमा लगाता है। देखिए वो जिले कौन कौन से हैं, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू होंगे और यहां तक खत्म हो जाएंगे, यहां तक जाएंगे जिले। कौन कौन से हैं देखिए? सबसे पहला जिला है जिससे सीमा लगाता है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। दूसरा जिला है शामली, शामली। तीसरा जिला है बागपत, बागपत। यहां देखिए एक बार, सहारनपुर, शामली, फिर आता है बागपत। सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, तीनों से। चौथे जिले का नाम है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद, सॉरी गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गाजियाबाद केवल किससे सीमा लगाता है? दिल्ली से। गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर भी इसको कहा जाता है, इसी को आप नोएडा कहते हो। तो नोएडा कोई जिला नहीं है, जिला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उसके अंडर आता है। पांचवा है अलीगढ़। अलीगढ़ हरियाणा से सीमा लगाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोगों को लगता है कि अलीगढ़ कहीं दूर होगा, दूर नहीं है। अलीगढ़ किससे सीमा लगाता है? हरियाणा से। और छठा जो है उसका नाम है मथुरा। मथुरा, मथुरा भी किससे सीमा लगाता है? हरियाणा से। तो हरियाणा से सीमा लगाने वाले यूपी के कितने जिले हैं? छह, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अब देखिए इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान आते हैं, ठीक, और उन्हीं पहलवानों में ही एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान है, गामा पहलवान। कौन सा? गामा पहलवान। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको लिखना है एसएसबी गामा, एसएसबी गामा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और एमएस मथुरा। तो गामा बस याद आ जाए, कैसे भी हरियाणा गामा याद आ जाए, गामा पहलवान। तो हरियाणा पहलवानों की धरती है, तो गामा पहलवान याद कर लीजिए, एसएसबी, एसएसबी गामा, वहीं पे ट्रिक में छोटा सा लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे, भूले नहीं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो जिले हैं जिनसे हरियाणा की सीमा लगती है। लिख दिया इसको। पिंक डालो इसमें यार, तुमने जितनी बाहर डाली उतनी अंदर डाल देते तो कदा ही बहुत भर के डाल दो। तुम दे दे।
तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरे तो ये मैथ पढ़ाता होगा ना, तो लिखना पड़ता ही नहीं है। थोड़ा ही तो लिखना पड़ता होगा, पूरा सवाल लिखता है क्या बोर्ड पे? पूरा सवाल देखो। अब देखिए भाई, हरियाणा की हमने देख ली कितने जिलों से सीमा लगती है, 6। अब हम चलते हैं उत्तराखंड पे, यहीं पे से पकड़ लेते हैं, यहीं उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगाता है ये देखते हैं। उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा लगाता है, तो पहले तो याद कर लीजिए कितने जिलों से, 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। और बहुत आसान है, 4 जिले तो वो हैं जिनसे आप ट्रेन से सफर कर जाते होगे पीलीभीत से। नंबर एक, आप पीलीभीत से ट्रेन में बैठे, जितने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग हैं वो इस चीज को जानते होंगे, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, आप पीलीभीत से अंदाजा लगाइए। हम लोग पीलीभीत से ट्रेन में बैठते हैं, तो पीलीभीत से कहाँ? बरेली। बरेली के बाद ट्रेन से क्या आता है? रामपुर। और रामपुर के बाद क्या आता है? मुरादाबाद। रामपुर के बाद क्या आता है? मुरादाबाद। ये 4 तो सबको पता होंगे जो ट्रेन में बैठ के सफर करता है बरेली से। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ऐसे ज्यादा दिल्ली जब जाते हैं तो। ठीक, ये 4 तो आपको याद हो गए, बचे कितने? अभी 3। मुरादाबाद के बाद आगे जो अगला जिला सीमा बनाता है वो है बिजनौर। कौन सा है? बिजनौर। अब ध्यान करो, बिजनौर ही तो वो जिला है जहां से उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा प्रवेश करती है। गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और कहां से बाहर निकल जाती है? बलिया से। और कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से, और बलिया से बाहर निकल जाती है। टेट के एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि गंगा कहां से बाहर निकल जाती है यूपी से, तो बलिया जिले से। 6 है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिला भी किससे सीमा लगाता है? उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर। और अंतिम है 7वां, सहारनपुर। सहारनपुर, ये 7 जिले वो हैं जो उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं, या उत्तराखंड इन 7 जिलों से सीमा लगाता है, जैसे भी आप बोल रहे हो। ठीक, ये देखो कितनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो उत्तराखंड के 7 जिले जो सीमा लगाते हैं ये रहे। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, सहारनपुर पे जरा ध्यान दीजिए एक बार। सहारनपुर पे सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों से सीमा लगाता है? सहारनपुर। देखो आप एक बार यही मैप में देखो, ये है सहारनपुर, बताइए उत्तराखंड से सीमा लगाता है? हाँ। हिमाचल से सीमा लगाता है? हाँ। हरियाणा से सीमा लगाता है? हाँ। लगाता है। ठीक, इसके बाद अगली बात अब ध्यान दीजिए जरा सोनभद्र जिले पे एक बार। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है? देखिए एक बार, 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़ और 4 मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4। उत्तर प्रदेश का ऐसा और कोई जिला नहीं है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता हो, कोई नहीं। ठीक, तो ये कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4 राज्यों से। ये सोनभद्र के बारे में, इसको भी लिख लेना। अब हम चलते हैं बिहार में। बिहार, अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो देखिए बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिले? 7 जिले। और बिहार तो ये है, तो 7 जिले भी कौन से होंगे? ये वाले साइड साइड के, ये 7 जिले। देखिए 7 जिले कौन है? पहला, यहां से शुरू करते हैं, पहला कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आगे आप ऊपर बढ़ोगे, अगला जिला दिखेगा चंदौली। अगला है चंदौली। आप यूपी जीके का मैप साथ में लेके बैठे हैं, जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, वैसे मैं आपको यही याद करा दूंगा। तीसरा है गाजीपुर। गाजीपुर के बाद अगला है बलिया। पांचवा है देवरिया। छठे जिले का नाम है कुशीनगर, कुशीनगर। और सातवें का नाम है महाराजगंज। कौन सा जिला है? महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो बिहार से सीमा लगाते हैं। अब इसकी ट्रिक लिख लेना आप, बिहार से सीमा लगाने वाले जिलों की ट्रिक लिखिएगा। सोना चांदी, सोना मतलब सोनभद्र, चांदी मतलब चंदौली, गाजी बल्ली, गाजी मतलब गाजीपुर, बल्ली माने बलिया, देवर
कुश महाराज, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा, देवर मतलब देवरिया, कुश माने कुशीनगर और महाराज माने महाराज। सोना चांदी गाजी बल्ली देवर कुश महाराज, ये वो जिले हैं जो सीमा लगाते हैं किससे, बिहार से। कितनी संख्या है, सात। तो सोना चांदी गाजी बल्ली देवर कुश महाराज, सोना मतलब सोनभद्र, चांदी मतलब चंदौली, गाजी मतलब गाजीपुर, बल्ली मतलब बलिया, देवर मतलब देवरिया, कुश मतलब कुशीनगर, महाराज मतलब महाराज। ये बिहार से सीमा लगाने वाले सात जिले हैं, इनको आपने लिख लिया होगा। अब इसको मिटाता हूं। अब अगला हम चलते हैं किसकी तरफ, कौन सा हमारा बचा है, मध्य प्रदेश बचा हुआ है और नेपाल बचा हुआ है। तो पहले हम मध्य प्रदेश खत्म कर लें क्योंकि ये राज्य है। तो देखिये मध्य प्रदेश लगाता है सबसे ज्यादा जिलों से सीमा, मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिलों से सीमा लगाता है। कितने जिलों से, 11 जिलों से सीमा लगाता है मध्य प्रदेश। तो देखिए कौन से हैं वो 11 जिले, देखिए सबसे पहला यहीं से शुरू करते हैं, यहां से सबसे पहला है आगरा, आगरा। दूसरा है इटावा, तीसरा है जालौन, चौथा है झांसी और पांचवा है ललितपुर। पहले तो आप एक साथ ये पांच याद करेंगे, उसके बाद बात की बात होगी, क्योंकि ललितपुर तक यहां तक आ गए हम। देखिए ये आगरा, आगरा के बाद इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये जिला जो है ये ललितपुर है, ये वाला दिख रहा है, ये ललितपुर जिला है। ठीक, ये है ललितपुर, इसके ऊपर कौन है, झांसी है, इसके ऊपर कौन है, जालौन है, इसके ऊपर कौन है, इटावा है। ये पांच जिले एक साथ याद कर लें, यहां से यहां तक के पांच जिले मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। कौन कौन है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम, इस तरफ बढ़ेंगे जब, तो यहां पर आपको दिखेगा महोबा, कौन सा जिला है, महोबा। महोबा के आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको दिखेगा बांदा, अगला कौन सा है, बांदा, 6-7 बांदा। बांदा के बाद आठवां आपको दिखेगा, इस तरफ जब आप बढ़ोगे, चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद नवां आपको दिखेगा प्रयागराज। चित्रकूट के बाद कौन दिखेगा, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहा जाता था, प्रयागराज। और दसवां आपको दिखेगा मिर्जापुर, कौन सा जिला है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के बाद ग्यारहवां दिखेगा कौन सा, सोनभद्र। ये हो गए 11 जिले जो सीमा लगाते हैं मध्य प्रदेश से। ये कितने आसान है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक, ये पांच याद करने के बाद याद कर लीजिएगा MBC PMS, याद हो जाएंगे। पांच ऐसे याद रखने, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, फिर MBC, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। सवाल ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता। अब आपको चार ऑप्शन देगा, उस चार ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है। चलिए ये लिख लिया होगा। अब हमारे पास राज्य सारे हो गए जो सीमा लगाते हैं, UTV हो गया जो सीमा लगाता था, बच गया कौन, नेपाल। तो नेपाल भी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा लगाता है। कितने जिलों से, 7 जिलों से। तो कौन से हैं वो 7 जिले, देखिए वो 7 जिले कौन से हैं जो नेपाल जिनसे सीमा लगाता है। तो नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगाता है, 7 जिले। यहां से शुरू करेंगे देखो, और पहला ही हमारा जिला है पीलीभीत। कौन सा जिला है, पीलीभीत। नेपाल से सीमा लगाने वाले इन्हीं जिलों को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो जब आप देखते हो SSC GD वगैरह में कट ऑफ आती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ लगाई है, शाहजहांपुर इत्यादि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो कट ऑफ हाई जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कैसी जाती है, कम जाती है। तो ये 7 जिले उत्तर प्रदेश वाले हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गए, हमारे लिए ये 7 हैं, बाकी बिहार के कहीं लगाते होंगे तो बिहार के होंगे। तो पहला है पीलीभीत, पीलीभीत के बाद अगला जो है वो लखीमपुर है, और लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो पीलीभीत। और दूसरा है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और तीसरा है इसके बाद बहराइच, तीसरा कौन सा आ जाता है, बहराइच, बहराइच तीसरा जिला है, ये क्रम लिख रहा हूं मैं बिल्कुल यहां से यहां तक क्रम है। चौथा है श्रावस्ती, श्रावस्ती, और पांचवा है बलरामपुर,
बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, और सातवां है महाराजगंज। सातवां कौन सा है? महाराजगंज। ये सात जिले हैं जो सीमा लगाते हैं नेपाल से। तो कौन कौन सा हो गया? एक पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा कौन सा हो गया? श्रावस्ती, पांचवा कौन सा हो गया? बलरामपुर, छठा कौन सा हो गया? सिद्धार्थनगर, और सातवां कौन सा हो गया? महाराजगंज। अब एक बात बताओ आप, मैं सवाल पूछूं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा लगाता है और बिहार से भी सीमा लगाता है? आप महाराजगंज सबसे लास्ट वाला, देखो यही तो सीमा लगा रहा था। हाँ, क्योंकि आप जब ये वाली ट्रिक देखोगे, सोना चांदी गाजी बल्ली देवर कुश महाराज, तब भी महाराज आ गया, जब यहां पर देखोगे लास्ट में तब भी महाराज आ गया। और इस नेपाल वाले डिस्ट्रिक्ट को याद करने की ट्रिक ले लीजिए, पीला, बहरा, शराब सिद्ध महाराज। अब शराब को चाहे आप ऐसा वाला शराब लिख लो, तब भी ऐसे करके शराबस्ती याद कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से आप ऐसा लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, याद हो जाएगा। देखिए क्या, पी माने पीलीभीत, ला माने लखीमपुर, बहरा मतलब बहराइच, श्रा मतलब श्रावस्ती, बा मतलब बलरामपुर, सिद्ध माने सिद्धार्थनगर, और महाराज माने महाराज। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ डाले जो कि कहीं ना कहीं से सीमा लगा रहे हैं, और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट अपने पास हो गए, यहां से अब अपना क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। कोई सा भी पूछे कौन किस राज्य से सीमा लगाता है, नहीं लगाता, कितने सीमा लगाते हैं, जैसे ऐसे भी सवाल आता है, बिहार यूपी के कितने जिलों से सीमा लगाता है? सात। झारखंड यूपी के कितने जिलों से सीमा लगाता है? एक। छत्तीसगढ़ कितने जिलों से सीमा लगाता है? एक। मध्य प्रदेश कितने जिलों से सीमा लगाता है? 11। राजस्थान 2, हरियाणा 6, उत्तराखंड 7, हिमाचल प्रदेश 1, नेपाल 7, बिहार 7। इस तरह भी आते हैं। मिटा दो इसको, मैं भी एक बार खुद बना के देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम देख लेते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़े जिले, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले, यहां सबसे छोटे और सबसे बड़े इसलिए लिख रहा हूं, मैं तीन तीन लिखूंगा, एक एक नहीं, क्योंकि कभी कभी सवाल तीन से आते हैं। तो सबसे बड़े जिले में तीन हमें लिखने हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है पहले? तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ये नंबर वन पर है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7046 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि याद नहीं रखना, पूछा नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, कौन सा है? सोनभद्र। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है हरदोई। ये तीन सबसे बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, और तीसरे पर कौन सा? हरदोई। ठीक, हरदोई। इसमें लखीमपुर खीरी हमारे पीलीभीत से ही सीमा बनाता है, ठीक है, और हरदोई शाहजहांपुर से सीमा बनाता है। अब बात आती है सबसे छोटे जिलों की, तो सबसे छोटा कौन सा है पहले वो लिखना है। तो सबसे छोटा है भदोही। हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा भदोही है, और भदोही को कहते हैं संत रविदास नगर। क्या नाम हो गया इसका? संत रविदास नगर। अब ध्यान रखना, आपको कई जगह आंसर दिया होता है हापुड़, वो हापुड़ आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना, हापुड़ दूसरा सबसे छोटा जिला है, दूसरे पे सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। तो देखिए जैसे समझना बात, जैसे मैंने कहा भदोही, भदोही, और उसी ऑप्शन में दे दिया हापुड़, उस स्थिति में आपको टिक लगाना पड़ेगा भदोही पे सबसे छोटा है। तो देखो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इस तरह से, भदोही छोटा है, हापुड़ उससे बड़ा है, तो ऐसा टिक लगाएंगे। ठीक, तो भदोही और हापुड़, ये दो याद रखिएगा, ये होगा। और तीसरा और लिख लीजिए जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर इसको आप कहते हैं, ये तीसरे पे है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फिर एक लगाना है तो गौतम बुद्ध नगर या जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। ये तीन सबसे छोटे जिले हैं। तो बताइए ये तीन सबसे छोटे जिले हैं, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर हापुड़, तीसरे भदोही। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? भदोही। और भदोही का ही नाम क्या है? संत रविदास। और भदोही को ही कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, या कालीन बनती है, कालीन नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भदोही को। भदोही का नाम चेंज होकर क्या हो गया? संत रविदास नगर।
ठीक, तो कभी कभी ऐसे आ जाए, बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है, और हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो संत रविदास नगर, तो क्या लगाना पड़ेगा, संत रविदास नगर। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले हमने ये देखे, ये हमारे सामने, ठीक समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब देखें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और कुछ हम बातें देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। जैसे पहला, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं, 18। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो जिलों की संख्या कितनी है, 75। 75। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, तहसीलों की संख्या कितनी है, 351। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रखंड या फिर कितने ब्लॉक हैं, तो जो ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, उनकी संख्या है 822। कितने ब्लॉक हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो नगर निगमों की संख्या कितनी है, 17। कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो इस संख्या को आप सही कर लें, अब ये संख्या 200 है। कितनी है, 200। नगर पालिका कितनी है, 200। फिर आता है नगर पंचायत, कितनी नगर पंचायत है, तो नगर पंचायतों की संख्या है 545। अब आप एक बात बताओ, इन तीनों को जरा जोड़ो, कितना हो गया, 762। आप जोड़ोगे कितना आएगा, 762। अगर सवाल कहीं ऐसे आ जाए कि कितने उत्तर प्रदेश में कितने नगर निकाय हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कितने नगर निकाय, अर्बन बॉडीज अगर पूछ दे, ध्यान रखिएगा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये अर्बन बॉडी कहलाती है। अर्बन बॉडी, नगर निकाय कितने, 762। तो जोड़ के देख लो कितना आएगा, 762। ये हो गया 762। तो अभी 762 नगर निकायों के चुनाव हुए थे, जो अभी इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नगर निकाय के इलेक्शन है। तो नगर निगम कहां, जहां महापौर चुना जाता है, नगर पालिकाएं जहां चेयरपर्सन होते हैं, ठीक, और यहां नगर पंचायत में भी चेयरपर्सन होते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे अपने आसपास के क्षेत्र में लेते हैं, नगर पंचायत अपने आसपास है बिलसंडा, तो बिलसंडा में चेयरपर्सन नगर पालिका का नहीं चुना गया, नगर पंचायत का चुना गया। नगर पालिका अपना बीसलपुर है, यहां चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, वो नगर पालिका का अध्यक्ष है। और नगर निगम कौन सा है, अपने पड़ोस में बरेली है, तो बरेली में किसका चुनाव हुआ, महापौर का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ। तो यहां मेयर होता है, यहां चेयरपर्सन होते हैं। अगला, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश के लिए कितनी है, 80। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो कह दी भाई राज्यसभा की सीटें हैं 31। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 403। ध्यान रखिएगा, पहले होता था 403 प्लस एक, एक था एंग्लो इंडियन जिसको नॉमिनेट किया जाता था, अब इस एंग्लो इंडियन वाली सीट को समाप्त कर दिया गया है, ठीक, अब ये नहीं होता है, तो कितनी हो गई, 403। अगला है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। और अमूमन ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की संख्या बताइए, तो यहां से सवाल आ जाता है, लिख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहला, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं, एक है हिंदी और एक है उर्दू, दो, ध्यान क्या रखना। हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी, तो 1947 में, कब बनी, 1947। लेकिन हिंदी के प्रयोग को सरकारी कामों के लिए बाध्यकारी कब बना दिया गया, 1951 में। तो दोनों बातें याद रख लीजिए, कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है कि हिंदी 1951 में राजभाषा बनी, राजकीय भाषा बनी उत्तर प्रदेश की, ऐसा नहीं, राजकीय भाषा तो अक्टूबर 1947 में बन गई, लेकिन सभी सरकारी कामों के लिए हिंदी को बाध्यकारी कब कर दिया गया, 1951 में एक अधिनियम लाकर,
राजकीय भाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1951 से, और उसी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1951 में संशोधन किया गया 1989 में, और 1989 में संशोधन करके उर्दू को भी क्या बना दिया गया, राजकीय भाषा। तो उर्दू राजकीय भाषा बनी है उत्तर प्रदेश की 1989 में, और हिंदी बनी है 1947 में, लेकिन बाध्यकारी कब बनाया गया, 1951। ठीक, अगली बात, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो राज्य पशु है बारहसिंघा, यह है राज्य पशु। इसके बाद आता है राज्य पक्षी कौन है, तो राज्य पक्षी है सारस, इसी को कहते हैं क्रोच। कभी कभी ये एग्जाम में ऐसे पूछा गया क्रोच के नाम से, तो सारस याद रहता है, क्रोच याद नहीं रहता, तो क्रोच भी वही है सारस, इसको स्टॉर्क या क्रेन कहा जाता है। अगला है राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है, अशोक का वृक्ष, ये राज्य वृक्ष। इसके बाद आता है राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प के रूप में किसे मान्यता दी गई, पलास को, और पलास को ही कहते हैं टेंसु, तो टेंसु का जो पुष्प है या पलास का जो पुष्प है वो हमारा राज्य पुष्प है। इसके बाद राज्य खेल है हॉकी, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है, हॉकी, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, अगर अभी बता सकते हैं तो अभी बताइए, फटाफट कमेंट में लिख के बता दीजिए आप में से कोई बता पाए तो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में देता है, तो भारत उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या राज्य चिन्ह, पहले राज्य चिन्ह नहीं, पहले हम लिख लेते हैं राज्य नृत्य क्या है हमारा, राज्य का नृत्य, तो यूपी का राज्य नृत्य है कथक, जो कि शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक कौन है, कथक है, और कथक को ही हमने क्या बनाया, अपना राज्य नृत्य बनाया। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने किस नृत्य को संरक्षण दिया था, इसी कथक को, ठीक, कथक या इसी को कथक ऐसे लिखते हैं, जैसे आप चाहे वैसे लिख लें, कथक या कथक। और इसी कथक के मशहूर डांसर बिरजू महाराज, हाल ही में उनका निधन हुआ है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये मैं करंट अफेयर की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, बिरजू महाराज जो कि कथक के एक डांसर थे मशहूर, उनका वास्तविक नाम क्या था। चलिए अब हम देखते हैं राजकीय चिन्ह, तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है वो देखते हैं। देखिए भाई राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह है एक व्रत है, उसके अंदर एक और व्रत है, यानी एक व्रत के अंदर इस तरह का चिन्ह, पहले मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा इस चिन्ह का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। इस व्रत के अंदर दो मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये, इसके बाद ऊपर आपको ये धनुष और उस पर तीर लगा हुआ दिखाई देगा, इस तरह ये तीर है, ये धनुष, और यहां पर लिखा हुआ है, ये पूरा ब्लैक कलर में है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, मैं इसलिए इसको बना रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी में ये बना रहे काफी लंबे समय तक, आपको दिखाई दे कि हाँ ये बना के दिखाया गया था तो हमको याद हो गया। अब इसके क्या क्या मतलब है, क्या क्या चीजें इसमें है, मैं सारी बातें आपको बताता हूं।
और यहां पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये हमारा राजकीय चिन्ह। ठीक, यहां पे दो सितारे भी बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना अब उन सितारों को राजकीय चिन्ह से हटा लिया गया है, अब सितारों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अभी भी आप चिन्ह अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो सितारे दिखते हैं, मैं इनको हटा देता हूं, अब इनका यूज नहीं होता। तो देखिए भाई, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, तो एक वृत्त के भीतर, वृत्त के अंदर दो मछलियां, मछलियों की संख्या कितनी है दो, प्लस धनुष बाण, प्लस गंगा और यमुना का संगम, ये तीन चीजें आपको इसके अंदर दी हैं। देखिए कहां पर क्या है, ये आपको दो मछलियां दिख रही हैं, तो नंबर वन पर ये हो गया। इसके बाद धनुष बाण भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दो, ये हो गया। और तीसरा गंगा यमुना का संगम, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है बीच में, ये वाई जैसी, ये वाई की लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है, ये यमुना नदी और गंगा नदी, यमुना और गंगा इनका संगम है, ये संगम हो गया देखिए यहाँ पे, और आगे बढ़ गई लाइन। तो एक तरफ से यमुना आ रही, एक तरफ से गंगा आ रही, संगम हो जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो क्या क्या चीजें दी हुई है राजकीय चिन्ह में, वृत्त के भीतर दो मछलियां हैं, धनुष बाण है, और गंगा यमुना का संगम है। इनका अर्थ क्या क्या है मैं बता देता हूं। दो मछलियां ये मत्स्य अवतार का प्रतीक है भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार कौन सा लिया था, मत्स्य अवतार, दुनिया को बचाने के लिए, तो मत्स्य अवतार का प्रतीक है। धनुष बाण ये भगवान राम के धनुष का प्रतीक है, भगवान राम के धनुष का। और तीसरा गंगा यमुना का संगम, ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का संगम मानी जाती है, गंगा और यमुना इन दोनों का संगम, उसी तरह हिंदू मुस्लिम सभी धर्म आपस में एक होकर रहे, ये उसका प्रतीक है। तो ये तीन बातें इनका प्रतीक है, हालांकि प्रतीक आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो एग्जाम में सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सवाल ये पूछा बताइए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना शामिल नहीं है पूछा है, ऑप्शन थे ए बी सी डी में, सुनिए ऑप्शन, धनुष बाण एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था मछली, तीसरा गंगा यमुना, और चौथा ऑप्शन दिया था सारस, कौन सा लगाएंगे, सारस, सारस नहीं, यही क्वेश्चन पूछा है, और उसमें ऑप्शन भी सारस ही था। तो सारस तो हमारा राजकीय पक्षी है, राज्य पक्षी है, सारस इस चिन्ह में कहीं थोड़ी दिख रहा है, तो ये राजकीय चिन्ह ये रहा। और इस राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था 1938 में, तब से लेकर आज तक ये हमारा राजकीय चिन्ह है। इतनी बातें आपको याद हो गई, ठीक, चलिए इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग और चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन जो ज्योग्राफी समझने वाली थी वो हम यहाँ पर समझ चुके, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है कि कौन सा जिला किससे जुड़ा हुआ है किससे नहीं, उन इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखें और नोट्स बना लें। जय हिंद, वंदे मातरम।